इधर भी इधर इधर फिर पीछे लगेगा। हिम्मत है तो बुझा के दिखा, क्योंकि जलने के लिए मुझे दोनों की दरकार नहीं होती। और ऐसी ही हौसले के जानकारी योजनाओं का लाभ शिविर में आम जनों को पर अग्रसर है एवं आज रामगढ़ जिला में है। विगत वर्ष आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जीवन में भी कोई परेशानी ना हो, हर किसी के चेहरे सरकार ने शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा इस महाअभियान। कई लोग हम लोग लौटते रहते हैं, रात में 2 बजे रात 3 बजे रात भी लौटते हैं। 40% सब्सिडी मिलेगा आपको, सबको बहुत बहुत धन्यवाद होते हैं। कुल 255 योजना विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाएं जिसके तहत हम सब मिलकर एक सशक्त झारखंड बनाने के लिए जिन्होंने गांवों के विकास के लिए जिद बना रखी है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ना कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कहते हैं वो करते हैं। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड के सर्वांगीण विकास का जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और इन्हीं तालियों के बीच मैं यहाँ पर सावित्रीबाई फूले योजना का हम लोगों ने इस बार एक टारगेटेड कार्यक्रम रखा है और सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत हमारा लक्ष्य है इस राज्य में 9 लाख बच्चियों को इससे हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। और अब तक तो लगभग 2 लाख बच्चियों को हम लोग जोड़ चुके हैं, अभी बाकी को भी हम लोग तेजी से जोड़ने का काम करेंगे। अब चूंकि शिविर का कार्यक्रम भी एक साथ चल रहा है और तो और आप सभी बच्चियों को से हम कहना चाहेंगे, आप पढ़िए लिखिए, सरकार आपका हर ख्याल रखेगी। और आपको हम बता दें, जो पहले कभी नहीं हुआ, ये भारत का पहला ये राज है जहां इस राज का आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का बच्चा विदेश में हमारे पैसे से खर्च करके पढ़ रहा है, विदेश में जाकर के पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जिसका पूरा खर्चा सरकार उठा रही है। और अभी बहुत जल्दी फिर से हम लोग मुख्यमंत्री छात्र प्रशिक्षण योजना ला रहे हैं, जिसमें आप सभी बच्चियों को, हमारे सभी छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, लॉ के लिए, पत्रकारिता के लिए आप लोगों को पैसे उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत जल्दी सीएम सारथी योजना भी ला रहे हैं, जिसमें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें भी राशि आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद बहुत जल्दी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप अच्छे बड़े बड़े अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में आपकी एडमिशन हो जाएगा, वहां पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो बहुत कम इंटरेस्ट पर 15 लाख रुपए आपको सरकार उपलब्ध कराने का काम करेगी। कई चीजें अब आपको पढ़ने का चिंता नहीं, आपके मां बाप किसान मजदूरों को चिंता करने का जरूरत नहीं है। और आपके लिए स्कूल का भी रंगाई पुताई और नए तरीके से जीर्णोद्धार हो रहा है, नए मॉडल स्कूल बन रहे हैं, जो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनेगा। और उसके जो टीचर होंगे और उसके जो शिक्षक हैं, उन सब शिक्षक को IIM में उनका ट्रेनिंग अभी चल रहा है और वो सभी CBSE मॉडल का होगा, वहां प्रिंसिपल भी होगा, हर सब्जेक्ट का टीचर भी होगा, प्रैक्टिकल रूम भी होगा। जो आप प्राइवेट
स्कूलों को देख करके आपके मन में थोड़ी जो कसक होती है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, आपकी सपनों को भी साकार करेंगे। कई चीजें हैं योजनाओं के बारे में हम कहेंगे तो रात बीत जाएगा, कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे मंत्रीगण ने कह भी दिया और शिविर भी लग रहे हैं, आप लोग इसमें शामिल हों और बड़ी गर्व की बात है रामगढ़ जिला के लिए विशेषकर, और वो गर्व की बात यह है और वो भी रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका के पावन धरती के लिए तो और भी गर्व की बात है, जहां से आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने एक लंबा आंदोलन करके इस राज को अलग पहचान दिलाने का काम किया है। आज झारखंड की अगर पहचान है तो आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी की देन है, जिसके वजह से आज ये राज बना है। हालांकि राज अलग करने में कई लोग शहीद हुए, कई लोग बलिदानी लोगों ने दिया है, लेकिन इसके अगुवा करने वाले आदरणीय गुरुजी हमारे इसी रामगढ़ गोला के रहने वाले हैं। और आज उसी प्रकार फिर से ये गौरव का दिन, रामगढ़ जिला फिर से इतिहास के रूप में जाना जाएगा, यही रामगढ़ बात छिन्नमस्तिके के पावन धरती का सुपुत हेमंत सोरेन 1932 का खतियान देने जा रहा है। और यहां के हमारे ओबीसी भाइयों को 27% का आरक्षण भी देने का काम करेगा। और संयोग का बात है, हर चीज जब लोगों में काम करने का एक लगन और ईमानदार सोच हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। और आपको हम बता दें, 2 साल पहले 11 नवंबर का दिन है जहां हम लोगों ने सरना कोड पारित करके भारत सरकार को भेजा है, और फिर से ये 11 नवंबर होगा जहां हम 1932 लाएंगे और ओबीसी को आरक्षण देने का काम करेंगे। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के ये लाभुक, जोरदार तालियां। निर्मल बेदिया, अगले लाभुक, चाबी के कटआउट दी जा रही है। सर्वजन पेंशन वृद्धा पेंशन योजना के तहत लाभुक इनके बाद टी साड़ी प्रदान किया जा रहा है। सोना सोबरन योजना के तहत इन्हें प्रदान की जा रही है। अधनी देवी, तालियां। स्वीकृति पत्र के रूप में आपको प्रदान किया जा रहा है, तालियां हो। फूलो झानो योजना के तहत अगली लाभुक है लक्ष्मी। कॉमनवेल्थ, आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लॉन बॉल गोल्ड मेडल, ये रामगढ़ की पवित्र भूमि और ये मां छिन्नमस्तिका मंदिर। यूपी पब्लिक स्कूल की छात्रा अखरा रानी, खुद अपने हाथों से उन्होंने सीएम सर की पेंटिंग बनाई है।